Again, welcome back to my channel. And today's doggy. Yes. क्या उठा के आपको अभी ला रहा था? मुझे recording नहीं हो रही थी. Hey everyone, again welcome back to my channel, and today's video is all about the products which I purchased from Flipkart. So I hope you find this video is helpful, because the whole point of this video is right. So I hope अगर आज की वीडियो हेल्पफुल रहती है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना और मेरी इस वीडियो को लाइक भी करना, साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना. सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट स्टॉप जो मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया है दिस ड्रेस, और इस पर जो है पोल का प्रिंट आता है. व्हाइट कलर का बेस है, उसके ऊपर ब्लैक कलर से सर्कल दिए गए हैं. सो प्रिंट जो है वो पोल का प्रिंट है, एंड आगे साइड यहाँ पर नेक लाइन जो है वो वी में आती है. आपको इसके अंदर कुछ पहनना ही पड़ेगा क्योंकि ये रैप है यहाँ पर फ्रंट साइड. साथ में स्ट्रैप इतनी थिन आती है, साथ में यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, आप एडजस्ट करके पहन सकते हो उस ड्रेस को. बैक साइड जो है यहाँ पर जिप मिलती है बैक साइड में, और जिप जो है काफी ज्यादा नीचे तक दे रखी है, लाइक यहाँ से लेकर आपको जिप यहाँ तक मिलती है. तो आप इसको बहुत आराम से पहन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पहनने में. और साथ में जिप की वजह से जो है फिटिंग बहुत ज्यादा अच्छी आती है आगे से. और इसकी जो लेंथ है वो नी तक लेंथ दी गई है, यहाँ तक नी तक लेंथ है, और साथ में फ्लेयर भी दिया गया है. ओवरऑल ड्रेस बहुत ज्यादा अच्छी है, लाइक काफी अच्छी है, क्योंकि आप जितना पे कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग इसकी फिटिंग एंड फैब्रिक एंड स्टिचिंग फिनिशिंग बहुत ज्यादा अच्छी दी गई है. तो आप इसको परचेज कर सकते हो, इस प्राइस में आप इसके लिए जा सकते हो. तो नाउ ब्लू स्कर्ट, और ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया है. आप देख सकते हो यहाँ पर बटन्स दिए गए हैं, आगे साइड यहाँ पे बटन्स दिए गए हैं, और यहाँ पर डोरी मिलेगी, साइड से डोरी मिली है. ये इसके अंदर भी आपको पहनना ही पड़ेगा क्योंकि ये पूरी रैप स्कर्ट है, लाइक पूरा ही आप इसको बटन से हटाओगे दोनों तो ये ओपन हो जाएगा. और एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, तरीके से ओपन हो जाती है. आपको यहाँ पे बटन्स लगाने पड़ेंगे, दोनों ही साइड में बटन्स लगाओ, एंड देन डोरी आपको यहाँ पे बांधनी पड़ेगी, फिर आप इसको पहन सकते हो. इस टाइप की ड्रेस जो होती है वो स्टॉकिंग के साथ बहुत अच्छे से जाती है, लाइक जो रैप ड्रेसेस होती हैं और रैप स्कर्ट्स होती हैं वो बहुत अच्छे से जाती है, स्टॉकिंग के साथ बहुत अच्छा लुक देती है. आप इसको उनके साथ ही पहनेगा, अदरवाइज इसकी जो लेंथ है वो थोड़ा अबव नी तक है, तो आप इसके अंदर इस टाइप का कुछ पहन सकते हैं. तो एंड इसका फैब्रिक जो है वो कॉटन ब्लेंड है, वैसे बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं है, लाइक अगर आप परचेज करने के प्लान में हो तो आप जा सकते हो. जो मैंने साइज एम लिया था और मेरे थोड़ा सा लूज रहा है, बट ये डोरी मिलती है इसमें यहाँ, तो आप इसको थोड़ा ऐसे एडजस्ट करके पहन सकते हो, ऐसा कुछ इश्यू नहीं आएगा. अगर आपको ये सही लगता है, लाइक इस प्राइस में अगर आप परचेज करना चाहते हो तो आप ले सकते हो. अदरवाइज फैब्रिक स्टिचिंग इसमें एकदम प्रॉपर अच्छे से फिनिशिंग के साथ दी गई है, आप इसको परचेज कर सकते हो. सो नेक्स्ट जो मैंने पिक किया है दिस ब्लैक वेलवेट ड्रेस, और ये जो है पूरी रैप ड्रेस है, पूरी ही रैप ड्रेस है. आपको इसके अंदर कुछ ना कुछ पहनना ही पड़ेगा, लाइक प्रॉपर सिक्योर वाली चीज आपको पहननी ही पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है वेस्ट एरिया पर डोरी मिलती है, साथ में अंदर साइड भी आपको डोरी मिलेगी. तो आप पहले आपको अंदर वाला साइड सिक्योर करना पड़ेगा डोरी के साथ, देन आपको जो ऊपर वाला साइड मिलेगा ये सिक्योर करना पड़ेगा. सो इसका फैब्रिक वैसे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, अंदर साइड आपको लाइनिंग नहीं मिलती है, उसके बाद भी बहुत कंफर्टेबल रहता है, आपकी स्किन पर बहुत ब्रीथेबल है, आपको ज़रा भी इरिटेट नहीं करेगा आपकी स्किन को. इसकी जो लेंथ है वो अबव नी और मिड थाई लेंथ मिल जाएगी आपको. आप इसको स्टॉकिंग के साथ पहनोगे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, बिना स्टॉकिंग के साथ भी पहनते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. अगर आप ज़्यादा एक्सपेंसिव ड्रेस नहीं लेना चाहते हो, लाइक वेलवेट वाली एक्सपेंसिव ड्रेस नहीं लेना चाहते हो, तो आप इसको भी परचेज कर सकते हो, क्योंकि इस प्राइस में इसका मटेरियल फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छा है. तो या यू कैन गो फॉर दिस फॉर पार्टी वेयर. लास्ट मैंने परचेज किया है दिस क्यूट बैग इन ब्लैक कलर, और यहाँ पर जो है इस टाइप का स्ट्रक्चर दिया गया है. इस साइड आपको यहाँ पर गोल्डन कलर से डिटेलिंग दी गई है, लाइक गोल्डन कलर से फिनिशिंग दी गई है, इस तरीके का कुछ गोल्डन कलर का फिनिशिंग दिया गया है. और साथ में ही यहाँ पर जो है टिकटॉक वाला क्लोजर मिलेगा, आप इस तरीके से करोगे टिकटॉक वाला क्लोजर मिल जाएगा, और अंदर साइड आपको टू कंपार्टमेंट मिल जाएंगे अंदर, और साथ में ही जिप मिल जाएगी. तो इसके अंदर आप चेंजेस या फिर कार्ड्स खुद भी रख सकते हो, बहुत ज़्यादा स्पेस है इसके अंदर, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा स्पेस दिया गया है. और बैक साइड जो है एकदम प्लेन मिलेगी, यहाँ पे आपको कोई भी जिप नहीं मिलेगी,
साथ में ये जो है यहाँ पे आपको गोल्डन कलर से यहाँ पे दोनों साइड हाफ गोल्डन कलर से आपको चेन मिलेगी और यहाँ पर जो है ब्लैक से मिलेगी आपको। इसमें जो है एडजस्ट के लिए कहीं भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, आप इसको बस एज अ स्लिंग बैग या फिर क्रॉस बॉडी बैग की तरह यूज कर सकते हो। सो फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, स्पेस भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, प्राइस तो इसका और ही ज़्यादा अच्छा है, तो आप इसको परचेज कर सकते हो। इस प्राइस के अंदर ये आपको बैग मिल रहा है इतनी क्वालिटी के साथ, तो आई थिंक दिस इज गुड डील। तो या तो ये था स्टफ जो मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया था, सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो अगर वीडियो हेल्पफुल रहती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को लाइक भी करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी करना। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बी हैप्पी।